नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। बदलते वक्त के साथ साथ आजकल लोगों में आगे निकलने की जो होड़ मची है उसके पीछे लोग नींद को भूल जा रहे हैं, पर्याप्त नींद नहीं ले रहे, जिसकी वजह से क्या क्या परेशानी होती है आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद है इसी बात पे जवाब देने के लिए डॉक्टर राजीव रंजन। डॉक्टर साहिब कंसल्टेंट फिजिशियन है, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। धन्यवाद रिया जी। आजकल लोग सोते कम हैं और सोने का अगर कोई चाहे भी सोना तो मोबाइल जो है वो सोने नहीं देता, थोड़ा सा बोलता मन करता है कि थोड़ा सा चला लें, तो इसमें नींद जो प्रभावित हो रही है, कम नींद ले रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है कि 6 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसमें समस्याएं क्या क्या खड़ी कर सकता है ये नींद कम लेना? बहुत बहुत माकूल प्रश्न है रिया जी, और बहुत ज्वलंत समस्या है, खास करके युवा वर्ग में या किसी वर्ग में। एक कभी रिसर्च फाइंडिंग आया है, सर्वे हुआ था, 57% इंडियंस, आप इमेजिन कर सकते हैं, 57% इंडियंस एज के बंधन को छोड़ दीजिए, पूरे इंडियंस का सर्वे हुआ, 57% इंडियंस 6 घंटा से कम नींद ले रहे हैं, और 30% इंडियंस 4 घंटा से कम नींद ले रहे हैं। तो ये नींद नहीं लेने की, खास करके पेंडेमिक के बाद, ये अभी हाल का सर्वे में बता रहा हूँ, तो भारतवर्ष में बड़ी विषम समस्या है। और जैसा कि आपने कहा मोबाइल का सेवन, नींद का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि नींद आपके एक हार्मोन होता है शरीर में, इसको मेलाटोनिन कहते हैं, वो पीनियल बॉडी सेक्रेट करता है। तो रात में जब अंधेरा होता है तो भगवान के द्वारा दिया हुआ, नेचर के द्वारा हुआ, प्रकृति के द्वारा हुआ, पीनियल ग्लैंड से ये हार्मोन निकला और उसका इंडिकेशन आया कि अब आप सोइए। अंधकार हुआ, अंधकार सोने के लिए है, तो अंधकार सोने के लिए है, लेकिन उसको आपने क्या किया, अपने जीवन शैली को इतना विकृत रूप आपने दिया कि रात में 12 बजे 1 बजे तक आप मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, ट्विटर जा रहे हैं, तो ब्लू लाइट जो आपकी आँखों पर पड़ रहा है या टीवी पर कोई अच्छी फिल्म देख रहे हैं, तो मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को रोक दिया। तो नेचुरल मेलाटोनिन जो आपके शरीर का है, जो आना चाहिए 10 बजे रात के जब अंधेरा हो जाता है, तो वो तो आपका गड़बड़ा गया, वो तो आपका इतना लाइट आपने दिया, ब्लू लाइट दिया, टीवी का लाइट दिया, फलाना दिया, तो आपका मेलाटोनिन इफेक्टेड हो गया। अब उसके बाद आप जब 2 बजे सोने जाएंगे तो जितना मेलाटोनिन आना चाहिए वो तो बना नहीं, तो आपका नींद डिस्टर्ब होगा, सवेरे फिर जल्दी आप उठेंगे नहीं, थकान रहेगा, उमस रहेगा, आलस रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि दिन भर आप थके थके से लगेंगे, ये एक्यूट इफेक्ट हुआ। लेकिन स्लीप डिप्रिवेशन का जो क्रोनिक इफेक्ट है लंबे समय में, अगर आपका 3 महीने से ऊपर ये लगातार चलता रहा तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, किडनी की बीमारियाँ हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है, न्यूरोलॉजिक बीमारी हो सकती है, पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, मतलब, और डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, मतलब ये एक नींद एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है, जो कहते हैं भोजन वस्त्र आवास जो कहता है, तो भोजन वस्त्र आवास तो मूलभूत आवश्यकता व्यक्ति की है, लेकिन नींद इतना अहम है कि नींद में ही व्यक्ति का सारा मस्तिष्क रीजनरेट होता है, वो आपने डिजनरेशन ख़त्म कर दिया। तो आप मंगल पर जाएँ, चाँद पर जाएँ, बहुत बहुत बड़े बड़े मुकाम तय करें, बहुत बड़े बड़े मंजिलों को पार करें, बहुत आपके पास मर्सिडीज आ जाए, लंबे लंबे बंगले आ जाए, सब आ जाए, नींद ही गायब है। तो आपको जो ताजगी मिलनी चाहिए, जो फ्रेशनेस मिलनी चाहिए, वो नहीं। तो सबसे ज़रूरी है कि रात में 10 बजे के बाद आप मोबाइल और टीवी चलाना बंद करें, ताकि मेलाटोनिन का असर ख़त्म हो। अपने बिस्तर का इस्तेमाल, ऐसा नहीं कि बिस्तर पर जाने के बाद आप वहाँ से टीवी देखें, टीवी देखने के लिए आप बगल के रूम में चले जाएं, वहाँ से जब सोना हो तब बेड पे आएं। तो ऐसा वैज्ञानिकों का मत है कि अच्छी नींद के लिए बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने और सेक्स के लिए, बस इसके अलावा बेड का इस्तेमाल दूसरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेड पर आप खाने लगे, बेड पर आप टीवी देखने लगे, बेड पर आप मोबाइल देखने लगे, तो वहीं से सारी की सारी प्रक्रिया आपकी गलत दिशा में जानी शुरू हो जाती है और आप निद्रा के व्यवधान के शिकार हो जाते हैं, और अंत में आपको सारी समस्याओं को, और नींद की गोलियों का इतना अच्छा व्यापार इसमें हो गया है
कि कोई भी दवा की कंपनी बिना नींद की गोली लाए बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकती, लाई रही है क्योंकि उसको इतना प्रॉफिट है। हर आदमी बहुत लंबे समय तक नींद का मैनेजमेंट नहीं करना चाहता है, और रात में 12 बजे तक चलाएगा ही मोबाइल, वो टीवी छोड़ नहीं सकता, मोबाइल छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो रात में 12-1 बजे तक मोबाइल चलाया, उसके बाद एक गोली लिया, गोली लेके सो गया, फिर अपना सोचा कि अब तो नींद आ गई। लेकिन ये देखिएगा, गोली लेने के बाद आपकी नेचुरल नींद नहीं रहती है। नेचुरल नींद कहते हैं हम लोग, जिसमें रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ये जितने भी स्लीप टैबलेट्स हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को ख़त्म कर देता है, जिसमें आपका स्वप्न आता है। तो पहले एक कॉमन बिलीव था कि स्वप्न आना वो खराब चीज़ है, यानी कि आपका नींद डिस्टर्ब हुआ, ऐसा नहीं है। आपके गहरी नींद का परिचायक है, एक अच्छी नींद का परिचायक है स्वप्न आना। तो जितने भी नींद की गोलियां हैं वो सबसे पहला काम करता है कि स्वप्न को ख़त्म कर देता है, आपकी ज़िंदगी को स्वप्नहीन बना देता है, आपको सपने देखना छोड़ देते हैं रात में। और जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं, चाहे वो भविष्य के सपने हों चाहे रात के सपने हों, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगी। तो इसलिए अगर रात में सपने देखना है, सुनहले सपने देखना है, तो आप नींद की गोलियों का सेवन न करें, कोशिश कीजिए कि नेचुरल तरीके से नींद आ जाए। कई बार लोगों की ये शिकायत होती है कि वो रात में सोते हैं लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सोए ही नहीं है, इसके पीछे का क्या कारण है? इसका मतलब कि उनको वो नींद नहीं आई जो नींद आनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप 8 घंटा भी सो रहे हैं और फ्रेगमेंटेड स्लीप है कि हर 2 घंटा के बाद आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है, हर 2 घंटा के बाद आप जग रहे हैं, फिर आधा घंटा उसको लाने में लग रहा है, तो फ्रेगमेंटेड स्लीप जो है, आप टोटल ड्यूरेशन तो 8 घंटा का ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि सवेरे उठने के बाद अगर आपको ताजगी महसूस नहीं हो, इसका मतलब कि नींद आपकी अगर क्वांटिटी ठीक है तो क्वालिटी गड़बड़ है, और अगर क्वालिटी ठीक है तो क्वांटिटी गड़बड़ है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने 6 घंटे की नींद ले ली, क्वांटिटी पूरा दिया आपने तो काम हो गया। एक क्वालिटी स्लीप होना चाहिए, यानी कि NREM स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट, दोनों का साइकिल चलता रहे और इस तरह से अच्छी नींद आएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। लेकिन आज ये हमारे जो युवक है, जनता है, उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसी किस तरह से टाइम टेबल सोने के लिए क्या टाइम टेबल? सबसे बड़ी बात है रिया जी कि इसमें एक जानने की जरूरत है कि रात में अच्छी नींद के लिए आपको सवेरे से अपनी जीवन शैली को मोड़ना पड़ेगा, अच्छी दिशा में मोड़ना पड़ेगा। वो दिशा क्या है? सवेरे आप उठ जाइए, जब धूप हो, सवेरे का धूप है उसमें चले जाइए बाहर टहलने के लिए, सनराइज लेना बहुत ज़रूरी है, विटामिन D3 का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सनराइज पूरा आप लेंगे, पूरा उसका लुत्फ उठाएंगे, आनंद उठाएंगे, तो रात में मेलाटोनिन भी ज़्यादा निकलेगा। तो इसलिए सवेरे का सन साइन में आप टहलिए, जल्दी उठेंगे तब जब जल्दी सोएंगे, तो सारा काम निपटा लीजिए रात के 9-9:30 तक, जल्दी खाना खा के रात में 7:30 बजे करके, क्योंकि काम आप किस लिए कर रहे हैं? जब आपका सेहत ही साथ नहीं देगा तो सारे पूंजी का और सारी चीज़ों के क्या उपदेयता रह जाती है, जब बाद में आपको चिकित्सक और दवाई के सारे चलना है। तो इसलिए ये आप शैली, जीवन शैली को परिमार्जित कर लीजिए, रात में जल्दी सोने चले जाइए। और जैसा हमने कहा कि अपने बेड का इस्तेमाल TV के लिए न करें, एक्सट्रेनियस चीज़ों के लिए न करें, सिर्फ ओनली 2 purposes, दैट इज स्लीप एंड सेक्स, और उसके अलावा कोई दूसरा पर्पस न करें, आपकी नींद बहुत गहरी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। अगर आप भी ऐसे करते हैं कि नींद आ रही हो और आप सोते नहीं हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।